सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा को लेकर। इरेडा के अंदर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, डिस्कस करेंगे। एफपीओ और जो आप लोग देखोगे कंपनी ने पीछे ऐलान किया था 10% स्टेक कंपनी बेच रही है, तो उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। और स्टॉक आज हमें जो अभी लगभग 1% से 1.5% के करीब तेजी में भी दिखाई दिया है, और स्टॉक वैसे बाउंड वीक हाई से 25% की गिरावट में भी है। थोड़ा बहुत रिकवरी लिया स्टॉक ने, तो यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है तो स्टॉक को होल्ड करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप लोग देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका आईपीओ आया था आज सुबह सुबह 5% टूटने के बाद स्टॉक रिकवरी लिया, ऊपर में 3-4% की तेजी दिखाई, बट अभी टाइम स्टॉक फिर से गिरावट में, यानी कि गिरावट तेजी बन रही है, तो उस स्टॉक में थोड़ा सा अलर्ट रहना आपको। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आखिरकार इरेडा में खबर क्या है और उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। ये जो 25% टूटा है, क्या ये मौका है खरीदारी के लिहाज से, या फिर स्टॉक में और फॉल आ सकता है यहाँ से, तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे CNBC आवाज़ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। इरेडा शेयर के ऊपर जो अपडेट है वो यह है कि IPO की तरह जल्द आ सकता है FPO, 10% हिस्सा बिक्री पर आई एक्सक्लूसिव खबर। तो क्या खबर आई अभी, चलिए आपको डिटेल में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे सरकारी कंपनी इरेडा को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी के MD और चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने मनी कंट्रोल को खास बातचीत में बताया कि उन्हें उम्मीद है कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि रकम जुटाने के लिए इरेडा ने सरकार से अपनी हिस्सेदारी में 10% तक की कटौती करने का अनुरोध किया है, और उन्होंने कहा कि उसकी मार्च 2025 तक 4500 से 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यानी कि मार्च 2025 तक जो कंपनी का लक्ष्य है वो 4500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ रुपए तक जुटाने की इनका लक्ष्य है। FPO लाने की तैयारी आगे आप लोग देखोगे भी, आगे कहते हैं कि सरकार किसी भी दिन इसकी मंजूरी दे सकती है। अगस्त के अंत में इरेडा के बोर्ड ने FPO या अन्य किसी तरीके से रकम जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। चालू वित्त वर्ष में आप लोग देखोगे 24000 करोड़ से 25000 करोड़ रुपए तक का लोन जुटाने की योजना है कंपनी की, तो 24000 से 25000 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। और कंपनी FPO या फिर QIP है या फिर अदर जो मैथ्रा प्रेफरेंशियल इशू है, ठीक है, राइट इशू है, उन सब के माध्यम से 4500 करोड़ रुपए से करोड़ रुपए तक जो है जुटाने की योजना बनाएगी। जो इस वित्त वर्ष में ये जो कंपनी वो टोटल जो फंड रेज करती हुई नजर आए वो 24000 से 25000 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। और 10% हिस्सेदारी बेचने के ऊपर भी जो अभी बातचीत हो रही है गवर्नमेंट से, तो उससे वहाँ से जल्द आप लोग देखोगे जो मंजूरी वो मिल जाएगी, ऐसा कंपनी के CMD ने बोला है भाई। तो ये खबर है अभी, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे भी इरेडा के अंदर नीचे से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। तो यहाँ पर देखोगे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो सपोर्ट है वो 219-220 के आसपास का बना हुआ है। स्टॉक में यहाँ से हमें फिर से एक बिग फॉल बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी गिरावट स्टॉक में आ चुकी है, जो भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो SIP स्टार्ट कर सकता है। यहाँ से एकदम पैसा ना डाल के थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते रहो भाई, और ये अगले 1-2 साल के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और 1-2 महीने बाद बेच दिया प्रॉफिट बन जाएगा, डबल हो जाएगा, नहीं भाई। तो यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इरेडा के अंदर। अगले 1-2 साल में यही स्टॉक आप लोग देखोगे 500 रुपये के प्लस, जो 500 रुपये प्लस है उसकी मूव दे सकते हैं। तो इस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करनी भी चाहिए भी। जो इसके रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि REC है, PFC है, उन शेयरों में तो अच्छा एक्शन बनाना भी, वो स्टॉक भी कभी 100 रुपये के आसपास हुआ करते थे, अभी आप लोग 600-500 उस रेंज में गए हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये स्टॉक भी है उस लेवल तक जाएगा, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी टाइम सपोर्ट रहेगा अभी 220 के आसपास का, जिसको रिस्क नहीं लेना है, और ऊपर में अगर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर इसके चांस रहेंगे लगभग 270 रुपये के आसपास जाने के, बट ऊपर में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करना ज़रूरी है। तो ये अपडेट अभी, इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस फ्रेश एंट्री की कोई राह नहीं दिख रही है, और जिनकी है वो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रॉन्गली स्टॉप लॉस के साथ चलो भाई अभी के टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।